आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट मूंग दाल के बड़े, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बारिश के मौसम में बड़े या पकौड़ी खाने का अपना एक अलग ही टेस्ट है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मूंग दाल के बड़े तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 1 कप जितनी मूंग दाल ली थी, जिसे लगभग 4 घंटे पहले भिगोने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो 2 से 3 घंटे भी आप भिगोकर इसके बड़े बना सकते हैं। दाल जो है वो फूलकर काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अभी हम इस पूरी दाल को एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। याद रखिए, इस दाल के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी हम जार के ढक्कन को लगाकर इसका एकदम दरदरा पेस्ट बनाएंगे। दाल का जो पेस्ट है वो आपको ज़्यादा बारीक नहीं रखना है, हल्का दरदरा पेस्ट होता है, जिसके साथ जो बड़े हैं वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अभी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का हल्का दरदरा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 से 2 साबुत दाने भी हैं, जिससे ये जो बड़े हैं वो देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। बड़ों को और ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 कप कटा हुआ पालक। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप जितनी बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जितना भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जितना जीरा, 1 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच हल्का दुरदुरा कुटा हुआ धनिया, 2 चम्मच जितना जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसी के साथ हम यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को हल्के लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही डालेंगे 2 छोटे चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, और सबसे लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अभी हम सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने नॉर्मल मूंग दाल के बड़े बहुत बार ट्राई किए होंगे, आप एक बार इस रेसिपी से ये मूंग दाल के बड़े ज़रूर बनाकर देखें। बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद अभी हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसका इस तरीके की बड़े की शेप देंगे। बड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम गर्म ऑयल के अंदर हम सभी बड़ों को फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय ऑयल का जो टेम्परेचर है वो एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो एकदम से बड़ों का कलर चेंज हो जाएगा या अंदर से अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और एकदम धीमी आंच पर भी ना सेकें, इससे ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो बस यहाँ मैंने सभी बड़ों को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया है इसमें। अभी हम इन गर्मा गर्म बड़ों को सर्व करेंगे। आप इसे बारिश के मौसम में चटनी या चाय, जिसके भी साथ खाना पसंद करते हैं, उसके साथ ज़रूर सर्व करें। यकीन माने, आपने एक बार ये बड़े बना लिए ना, तो आप बार बार बारिश के मौसम में यही मूंग दाल के बड़े बनाना पसंद करेंगे। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें कि आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।